नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के मदर टेकरी मंडी से सिंधी कैंप तक CAA और NRC को लेकर के मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक मौन जुलूस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जबलपुर में पिछले दिसंबर महीने में भी काफ़ी आक्रोशित आंदोलन हो चुके हैं और हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। वहीं अब एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के मुस्लिम समुदाय के द्वारा मौन जुलूस निकाला गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जुलूस के माध्यम से यह कहा गया कि सरकार की कार्य प्रणाली पूरी तरह से एक निरंकुश शासक की तरह से होती जा रही है, जो हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद और हानिकारक है। आपको बता दें कि शहर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को हजारों की तादाद में भीड़ सड़कों पर उतर आई और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के विरोध में मौन जुलूस निकाला और अपना आक्रोश जताया। नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित NRC को लेकर मुस्लिम समुदाय खासा आक्रोशित है। जुलूस के बाद उन्होंने कलेक्टर भरत यादव को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में CAA के विरोध में दिसंबर में जमकर बवाल हुआ था और जिसके बाद 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। शुक्रवार से पहले गुरुवार को भी मंडी मदार टेकरी के जामा मस्जिद में विशाल जनसभा हुई थी और उसके पश्चात शुक्रवार की दोपहर नमाज के बाद लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी। धर्म गुरुओं और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में गुस्साए लोग जुलूस में शामिल हुए। हजारों की तादाद में भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन खासा चौकस रहा और सुरक्षा इंतजामों का आलम यह रहा कि हालात पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों का सहारा लिया। मौन जुलूस में शामिल धर्मगुरुओं ने CAA को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने की बात सरकार से की। गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जनता की आवाज़ को अनसुना किया तो ऐसे नेताओं को सत्ता से उतारने का काम भी जनता ही करेगी। हाथों में CAA और NRC विरोधी नारों की तख्तियां थामे तिरंगा लहराते हुए भीड़ ने मंडी मदार टेकरी से भान तलैया का रुख किया तो पुलिस और प्रशासन को भी सख्त रवैया अपनाना पड़ा। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को टालने के लिए प्रशासन ने जुलूस में शामिल भीड़ को सिंधी कैंप के पास ही रोक दिया। CAA और NRC का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय ने एक स्वर में इस तरह के कानून को जनहित के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार पर देश को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। CAA को लेकर शहर में एक बार फिर हो रहे आंदोलनों के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।